सत्संग परम दयाल जी महाराज मानवता मंदिर होशियारपुर तारीख 7 दिसंबर 1980। दोस्तों मेरी समझ में जो आया है वो मैं कहता हूँ। हम एक दूसरे से इस जहान में मिलते हैं पिछले कर्मों के अनुसार। जिस जिसका पिछला जन्म का लेना देना होता है उसके संस्कार से हम एक दूसरे से मिलते हैं। शास्त्र कहते हैं ये संसार ऋण बिंदु संसार है। हम कर्जे के संस्कार एक दूसरे का देना लेना पकड़ना होता है। अपने आत्मा सिस्टम क्या ली ऐसी बातें सीखी। मुझे अपने दो केस का पता है अपने घर का। मेरी तीन लड़कियां हैं। बड़ी लड़की को शादी पर मैंने 40 तोले सोना दिया, बड़ी जायदाद दी। दूसरी लड़की की शादी पर मैंने सिर्फ 5 तोले सोना दिया और 1500 में शादी कर ली। तो मेरी औरत मुझसे हमेशा बम मारा करती थी कि तूने इंसाफ नहीं किया, बड़े लड़के को बड़ी लड़की को 40 तोले सोना दिया, इसको कुछ भी तुमने नहीं दिया। तो जब वो मुकरारे चलने लगी तो मैंने कहा बेटी तेरा देना है, अब ले ले मेरा तेरा रिश्ता टूट जाएगा। तो जब तू मकान बनाएगी जब मैं धंधा रहा मैं दे दूंगा, जब अपने भाई से ले लेना या पुरुषोत्तमदास से ले लेना। बात आई चली। 4 साल के बाद वो बीमार हुई। उसका खावन कितना इस वक्त पैसे वाले नहीं था। मेरी औरत मुझे मजबूर करती थी। मैं 6 महीने 100 रुपया भेजता रहा। हर महीने 100 रुपया उसको उसकी बीमारी के इलाज के लिए कोयला फेंकता रहा। बैठा बाबा तो 7वें महीने मैंने प्रशोधन का आपके लिखा कि बैठा हुआ है। मैंने कहा भाई 100 रुपये का ड्राफ्ट लेके देश रात को फेंक दे कोठे। तो मैं छुट्टी ली पास लिया। मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहा जा देख ले और तेरी मर जाएगी, लड़की तेरी मर जाएगी। अब ये मेरा अनुभव था। दूसरा अनुभव मेरा है, मेरा लड़का पैदा हुआ शाह पदम जन। मेरी उस वक्त मेरे अनुभव ने कहा कि मैंने इसका देना है, मैंने लेना नहीं इसको। तो 3000 तनख्वाह लेता है। मैंने आज दिन तक उससे उसकी कमाई का एक पैसा नहीं खाया। अपने लिए अपनी बहन के लिए पैसा मेरा इंतजाम बार बना हुआ है, मैं उसे नहीं लेता। मैंने लेना ही नहीं है। एक जब खड़ी ले आया रूस से, मैंने वहां कारखाने में उतार के रखी को ले गया। मैंने कहा अच्छा हो गया। तो इन तजर्बात से मैं किस नतीजे पर पहुंचा कि हम जहां एक दूसरे से लेने देने के संबंध में है निर्भर आई है। शायद पिछले जन्म का इसने कुछ मेरा देना हो या मैंने देना हो, मुझे क्या पता। हम एक दूसरे से मिलते हैं पिछले लेने देने के कर्मों की वजह से। कोई किसी का बाप बन जाता है, कोई किसी का बेटा बन जाता है, कोई किसी का भाई बन जाता है। किसी को कुछ दुख दिया हुआ होता है, किसी को कुछ दुख सुख, ये सब संसार है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो हम लोग इस दुनिया में जो रहते हैं हर हर करके खुश हैं, ये खत्म हो जाए। कई आदमी आते हैं उनकी औरतें से नहीं बनती, पिछले जन्म के उनके सरोकार होते हैं, इसकी वजह से ये तकलीफ होती है। तुम लोग आए, मैं सोचता हूँ ये क्या खेल है। लेना देना कोई गुरु बन के रहता, कोई चेला बन के रहता, कोई भाई बन के रहता, कोई बेटा बन के रहता, कोई चाचा बन के रहता, कोई नहीं होता तो चोर बन के डाकू बन के ले जाता है। तो ये संसार है क्या? एंड बंदी संसार। एक लाहौर में था कोई बड़ा पंडित, बड़ा माना हुआ। उसकी औरत को बड़ी फूट मिली हुई थी। तो जो सीधा बड़ा पारा बड़े बड़े आदमी आते तो वो उससे पूछते, उन्होंने कहा क्या बात है कि तेरी और क्या कर दी। उन्होंने कहा भाई पिछले जन्म का खेल है, उसका हमने देना लेना है। तो जब ऐसा हालत हो आप लोग मेरे पास आते हैं, मैं प्रण किया था अपना अनुभव कर जाऊंगा।
तो मैंने आपको साबित कर दिया कि हमारा एक दूसरे का कर्म है, रीति है, देना देना प्रदान करना। इसका एक सबूत तो मैंने अपना दे दिया, एक सुभाष का मिसाल। अब दूसरी मिसाल सुन लो, मैं म्यानी स्टेशन पर यह समझा कि मेरी आदत है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ प्राइवेट डॉक्टर मेरा रहता, अपना डॉक्टर राज्य है। तो वहाँ एक डॉक्टर आ गया राम था, कटर आ गया समाधि में, मगर वो ज्योतिष को मानता था। उस जमाने में आ गया समाज बहुत कटाक्ष करता था, तो मैंने आ गया उनसे पूछा, मैं डॉक्टर जी आप आ गया समाज की ज्योतिष को क्यों मानते हैं? उसने कहा मेरे साथ एक वाक्या हुआ। कहें क्या? मैं म्यो अस्पताल में पढ़ता था, तो जब मैं अनार का ये जा रहा था तो एक किसी आदमी ने मेरे पीछे पीठ पर हाथ रखा। जब मैंने देखा तो काले रंग का था, आंध्र प्रदेश की काले रंग का, बच्चे टिक्के लगाए हुए। उसने बोला तेरा नाम क्या? क्या गया हम क्या काम करते हो? कि डॉक्टरी पढ़ता हूँ। अगर बात सुनो, मुझे फोड़ा है पीछे, तो मैंने ज्योतिष लगाया कि फोड़ा मुझे क्यों है, बड़ा साल हो गया जाता है। उन्होंने बोला मैंने किसी आदमी से 100 रुपया उधारा लिया था, उसको वापस नहीं किया, उसकी वजह से मुझे ये फोड़ा है। तो फिर मेरे ज्योतिष ने कहा कि वो आदमी जिससे मैंने रुपया देना है वो पुराने दिन पुराने वक्त में अनार करी में मिलेगा, उसके नाम के पहले आ होगा, डॉक्टरी पढ़ता होगा, इस वास्ते मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ, ये 100 रुपया ले लो और मेरा इलाज कर दो। तो आगे राम कहता है मैंने उसकी बात को मजाक समझा, मैंने 100 रुपया खीसे में डाला। कार्बन लोशन से 3 दिन उसकी साफ कर दी, वो ठीक हो गई। अब वो जब चलने लगा जो उसी ने कहा भाई पिछला तो कर्जा खत्म हो गया, अब तूने मेरा इलाज किया, मेरे पास तो है नहीं कि टेवा है तो मैं ज्योतिष बना देता हूँ। उसने टेवा का उसका टेवा बना लिया। वो कहता जो कुछ उसने लिखा मेरे पर एक एक हर ठीक है, इसलिए मैं ज्योतिष को मानता हूँ। तो इन बातों से क्या साबित हुआ कि हम इस दुनिया में रहते हैं, हम किसी का कर्जा उठाते हैं, किसी से पैसा लेते हैं ना जाए या उधार लेते हैं, उसको देते नहीं, अपना फर्ज पूरा, ये सब हमारे कर्मों का चक्कर बन जाता है। मैं इसी बात से डरता हूँ, मैं ये सब ज्ञानी क्यों करता हूँ? ताकि अगर मैं तुम लोगों को पर्दे में रखकर तुमसे पैसा ले लूँ तो ये धोखा जो मैं करूँगा, जब कर्म के सिलसिले को मैं देखता हूँ तो मैं बच नहीं सकता, खबर नहीं मेरा क्या हाल होगा। अब आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, मुझे लेक्चर देने नहीं आता, मैं आपसे जिस तरह बातें करता हूँ ना इस तरह बातें करता हूँ। तो इससे साबित हुआ कि हम इस दुनिया में कर्जदार हैं, लेने देने के संबंध है। इस वास्ते मैंने तालीम को बदला है कि ऐ इंसान अपनी जाति गरज के लिए हेरा फेरी धोखा फरेब 420 मत कर। इस बात को भूल जा कि तूने नाम लिया हुआ है, अभ्यास करता है या ये करता है या वो करता है, जो कर्म हमने तुमने किए हुए हैं उसके फल से तुम या हम कोई बच नहीं सकते। ये मैं कहना चाहता हूँ। तुम लोग आए हो आंध्र प्रदेश वाले, मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ, मैंने ये काम क्यों किया, ये मेरे कर्म थे, मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। अब मैं सोचता हूँ कि इस कर्म के चक्कर से तो किसी तरह निकल नहीं सकता आदमी, ये तो चक्कर हमेशा चलता रहेगा, कोई तरीका है निकलने का? स्वामी जी की बाई निकाल, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। अब मैंने आपको शास्त्र में मुतल सब कुछ कह दिया कि इस संसार में हम लेन देने के, यहाँ मेजर साहब एक आए हुए हैं, उनका लड़का है, अब 5-6 साल हो गए, जिसम नहीं चलता, सिर्फ बोलता है और दुखी है। वो क्या है कि पिछले जन्म का आपस में एक दूसरे का दुख दिया हुआ है, वो दुख लेना पड़ता है, कहाँ जाओगे भाग के? तो इसी वास्ते मैंने तालीम को बदला है और अपने आप को मैं बहुत समझ के चलता हूँ। किसी सतंगी का
पैसा नहीं लेता ना अपनी जात के लिए, हेरा फेरी नहीं करता, 420 नहीं करता, मंदिर में रहता हूँ, अगर रात जहाँ रह जाऊँ तो मंदिर का किराया देता हूँ 1 रुपया रोज रात का यहाँ रहने का, सब्जी जाती है सब्जी के पैसे लेता हूँ, क्यों करता हूँ? कि मैं समझता हूँ कि मेरा हक नहीं है, मेरे आदमी जाता है रोटी लाता है 5 रुपये महीना सो रोटी लाता है उसको देता हूँ, मेरा क्या हक है सत्संगों पर? खुशी से अगर तुम मेरी सेवा करो तो बड़ी खुशी से करो, मगर मैं किसी सत्संगी को ये हुक्म नहीं देता कि तुम ये काम मुफ्त कर जाओ ना, क्यों करता हूँ? इस समझ से कि भाई ये संसार ले अंधेरा है, अब इससे बचने की कोई जरूरत है, वरना ये तो सारी जिंदगी हमेशा कर्म चलता रहेगा, जमते रहेंगे मरते रहेंगे, जमते रहेंगे मरते रहेंगे, कोई इसका इंतजाम भी है तो संत कहते हैं फलो सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। वो कहते हैं ये कर्म की जुगात, कर्म का फल है लेना देना, अगर तुम इसकी इससे बचना चाहते हो कहते हैं सतगुरु की शरण लो, ये कहते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि क्या कोई आदमी मेरी शरण ले ले या किसी गुरु की शरण ले ले, उसको गुरु धारण कर ले, क्या उसके कर्म कट जाएंगे? ये सवाल है जो मैं अपने आत्मा से करता हूँ, सिर्फ किसी को गुरु धारण करने से तुम्हारे कर्म नहीं कटेंगे। सतगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का, किसी गुरु के पास बैठ के सच्चा ज्ञान हासिल करोगे, सच्ची बात समझ में आएगी, सच्चा अनुभव तुमको हो जाएगा, तब तुम्हारे कर्म को जुगाड़ करेंगे। सिर्फ फकीर चंद को या किसी और गुरु को गुरु बना लेके उसे नाम डाल लेके अगर तुम ये चाहो कि तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, ये नहीं कटेंगे। पढ़ो आगे। भूल भरम में सब जग पचता, अचरज बात न कहो सुहाए। आगे। भागहीन सब जग माया बस, वो कहते हैं सदगुरु के, सदगुरु मैंने आपको बोल दिया, किसे कहते हैं? सच्चे ज्ञान का, सच्चे अनुभव का, सच्चे राग का, सच्ची भेद का। वो कहते हैं दुनिया भ्रम में फंसी हुई है, इस गति को सच्चे ज्ञान को कोई हासिल नहीं कर सकता, वो भेद है क्या? वो भेद मुझको तुम लोगों से मिला, वो भेद मुझको तुम लोगों से मिला, आप मेरे तुम ये निर्मल आयु है। ये कहती है मैंने श्रीनगर में इसने दो ब्रिज दिया में, तो इसको मैं मैंने मैंने बचाया, अब मैं तो गया मुझे तो पता नहीं है निर्मला, तू मुझे भी मानती है, मेरे शरीर को कुछ पड़े मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तुम्हारे जैसे सत्संगियों को अपना गुरु मानता हूँ, कि तुम्हारी वजह से मेरी आंख खुल गई, मैं कर्म के जुगात को निकलने का मेरी मुझे हिम्मत आ गई, तरीका मिल गया, गुरु भी निकल नहीं सका तो मेरे भाग है, मगर मुझे पता लग गया, क्या पता लगा? कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, अब मैं हैरान होता हूं, अगर सचमुच ये मौजूदा महात्मा ये पिछले अगर ये भी नहीं जाते थे तो इन्होंने इस बात का पर्दा रखा और हम भोले भाले गृहस्थियों को अपने जाल में फंसा कर इनकी जायदादें और इनके धन लूटे, इनका क्या अंजाम हुआ होगा? मेरी दिमाग काम नहीं करता, या तो मैं गलत हूं या ये गलत है। तो तुम आए हो, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता हूँ, कर्म की जुगाड़ से तुम कैसे निकलोगे? फड़ोस कर गो सरगो शरण गाओ मेरे प्यारे, सतगुरु शरण गाओ मेरे।
क्या दुनिया सारी फूल भरम में नहीं है? बताओ मेरी बात, सब फूल भरम में, किसी के अंदर देवी प्रकट हो गई, उसने कहा बलि दे दे, और उसने किसी बच्चे की बलि दे दी, वो जो देवी आएगी वो देवी तो थी नहीं, वो तो उसका अपना मन था। हम सब जितने हैं मत मतांतर वाले, कभी मैं दुखी हुआ करता था, ब्राह्मण हूं, पानी वेदांत भूल, वेदांती भूल गए, राम रामकृष्ण वाले भूल गए, मुसलमान नहीं पहुंचे, जाने नहीं पहुंचे, कुछ नहीं पहुंचे, तो मैं रोया करता था, हे भगवान मैं तुझे मिलना, तो मैं कहां फंस गया। आज मैं कह जाता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है सुन लाने से, क्यों कि जो कुछ भी किसी को मिलता है वो देखता है, वो उसका अपना ही मन का संकल्प है। तुम्हारी निर्मला ने आगे देखा कि किसी को बापे ने बचाया, मैं तो गया नहीं, तो बाबे को किसने बनाया? बाबे को बनाया निर्मला के अपने मन ने। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आपको कि जितना खेल है सब मन के, तमाम दुनिया इस मन के चक्कर में आ गया। स्वामी जी ने बिल्कुल सुराने सीखा, और इसका नतीजा क्या निकला? ये पार्टीशन में क्या हुआ, ना कोई मोहम्मद बाहर से आता है, ना कोई राम आता है, ना कोई कृष्ण आता है, ना कोई गुरु आता है, ये सब जिस किस्म का ख्याल इंसान के दिमाग पर पड़ा हुआ है वो उसको शक्लें नजर आती हैं, और तमाम हम फूल भरम में आकर के देख लो मानव जाति किस तरह बची हुई है, क्या हो रहा है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका, इसका तरीका ये मेरी समझ में आया है कि जितने हमारे मन के अंतर संकल्प होते हैं इनके पीछे ना लगकर अपने आप को सिर्फ प्रकाश और शब्द को पकड़ो, ताकि जब तुम्हारा अंत समय आए, जब तुम्हारे मन के अंतर रूप रंग नहीं आएगा, प्रकाश आ जाएगा, पार ब्रह्म या शब्द ब्रह्म आ जाएगा, फिर क्या होगा? तुम्हारी जो सूरत है ये मन के चक्र को छोड़ के प्रकाश में चली जाएगी। तो जितने भी तुमने मन के चक्र में रहते हुए पाप लेना देना जो कुछ भी कर्म आपने किया हुआ है, क्योंकि आप इस मंडल से, मन के मंडल से निकल के प्रकाश के मंडल में चले जाओगे, इस बात से यहाँ का कानून वहां असर नहीं करेगा। लाख तुमने पाप किए हुए हैं, लाख तुमने जुर्म किए हुए हैं, अगर मरती सवा तुमको प्रकाश और शब्द आ जाएगा, तो जितने भी तुम्हारे कर्म है वो तुम पर असर नहीं करेंगे। क्यों? हिंदुस्तान में जो जुर्म तुम करोगे, अगर तुम यहाँ से भाग के अमरीका चले जाओ तो यहाँ का कानून वहां असर नहीं करता, तुमको वहां कोई पकड़ेगा नहीं। ऐसे ही हमारे कर्म का चक्कर जो है ये सिर्फ हमारे मन के तबके में है, जब हम मन के तबके से निकल जाएंगे तो फिर जितने भी हमने पाप किए हैं सब खत्म हो जाएंगे। इसी बात से कहा जाता है नाम जो रति एक है, पाप जो रथ हजार, आज घड़ी घट समचरे जार करे सब छा। नाम क्या है? अपने आप को प्रकाश और शब्द में लय कर देना का नाम, उस अवस्था में चले जाने का नाम नाम है। तो इस कर्म के चक्कर से बचने का क्या तरीका है? अपनी जिंदगी में अपना इस प्रकाश और शब्द रखे, ताकि जब उसका शरीर छूटे तो उसके सामने प्रकाश आ जाए, और यही प्रकाश का ताल्लुक हमारे सनातन धर्म में है। जब मरने लगता है उसके सामने दीवा बालते हैं कि नहीं बालते, दीवा रखते हैं,
रखते हैं कि नहीं रखते, क्यों रखते हैं? मरने वाले को ये याद कराते हैं कि तेरा घर नूर है, प्रकाश है, इस वास्ते उसकी याद आने कराई जाती है। तो तुम लोग आए तो तुम लोग भी आ जाते हो, मैं तो अपना कर्म भोगता हूँ, मैंने प्रण किया था अपने अन्न कह था, इस कर्म के चक्कर से बचने का क्या इलाज? ये इंसान अपना इस प्रकाश और शब्द रखे, प्रकाश और शब्द का साधन करे और इस बात का ज्ञान हासिल करे कि ये मन का जितना चक्कर है ये सब कल्पित है, माया है। जब तक ये ज्ञान किसी को नहीं होता, लाभ कोई फकीर चंद्र गुरु मान ले, किसी गुरु मान ले, तो ये अचल बात है जो मैंने कही है। आज दिन तक किसी महात्मा ने इतना साफ खोल के ये बातें नहीं कही। मैं हूँ पहला आदमी जिसने इस सच्चाई का डंका बजाया है। पढ़ो शुरू करी दो, सद्गुरु की शरण क्या होती है? सतगुरु शरण हो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। अब समझ के सद्गुरु की शरण क्या है? किसी कामल निर्बंध पुरुष की संगत में जाओ जिसने ये गुरुवाई अपने जाति गरज के लिए या मानव मंदिर के लिए या डेरे के लिए नहीं की है। जिन्होंने गुरुवाई की या अपने मतलब के लिए, वो तुमको सच कैसे बताएंगे? वो तो तुमको कहेंगे आओ हर महीने पैसे देते रहो और हमारे जाल में फंसे रहो। ये है तो सद्गुरु नाम किसका है? सच्चे ज्ञान का। जो मैंने समझा वो मैं कहता हूँ, मगर ये दावा नहीं करता कि जो मैं कहता हूँ यही फाइनल है। हो सकता मैंने जो कुछ समझा हो सारा गलत हो, मुझे इसका कोई याद नहीं है, क्योंकि मेरी नियत था, मैंने जो कुछ खुद अनुभव किया वो कहा, दावा नहीं करता। आगे भूल भरम में सब जग पछता, अजर जब बात न कहो सुहाए। अब मैं जो बात की सच्ची बात कहता हूँ, कुछ सच्चाई को सुनने के लिए को तैयार है सब भागते हैं। आगे भागे ही ने सब जग माया बसे, ये निर्मल गति कोई न पाए। निर्मल गति क्या है? जब तुम मन के संकल्पों को बिल्कुल छोड़ जाओगे, बाकी क्या रह जाएगा? प्रकाश वो तो निर्मल है ही। कहते दुनिया सब भाग ही है, बदकिस्मत है, इसको समझ नहीं है। आगे जिन पर दया करता के तो ये अमृत पीवन चाहे। कहते हैं ये बात सब कुछ है, मगर जिस पर यह सदगुरु की दया नहीं लिखी हुई, आज करता की वो जो मालिक है, जिस पर उसकी दया होती है वो इस तरफ आता है। हर एक आदमी आ नहीं सकता, जिस पर उसकी मालिक की दया होती है, यानी वो आता है इस तरफ, हर एक आदमी आ नहीं सकता। बैठ जाइए जहां जगह मिलती है। जिस पर दया जिन पर दयाद करता के तो ये अमृत पीवन चाहे। कहाँ लग महम कहूँ इस गत के, वो कहते हैं इस गति को, इस अवस्था को, सत ज्ञान की प्राप्ति को और उसमें ठहरने की गति कोई विद्या गुरु को पता है। मैं समझ तो गया, मुझे अब तो ठहर नहीं गया। मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ, मैं जान गया हूँ, मगर अभी तक वहाँ मेरी अगर मैं चाहूँ वहाँ ठहरना, मैं ठहर नहीं सकता। फिर मन में आ जाता है करूँ क्या, अपने बस की बात है कुछ। मैं खुद सोचता हूँ तुमने इतनी जिंदगी सफर किया,
तू वहां परमानेंटली नहीं ठहर सकता, दुनिया से तू क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप व्यक्ति क्या करोगे आगे। बिने गुरु चरण और नहीं भावे, इसे आनंद में रहे समाए। अब देखो वो कहते बिना गुरु से दुनिया है, ये बाहर के जो पैर है इन्हीं को गुरु के चरण समझा हुआ है, ये भी किसी हद तक है, मगर असली गुरु के चरण प्रकाश हैं, प्रकाश नूर। यही राधा स्वामी मत में राय साई राम साहब ने अपनी प्रेम वाणी में लिखा है, सतगुरु कौन, सतगुरु शब्द स्वरूपी राधा स्वामी ज्ञान, उनके चरण प्रकाश। तो प्रकाश जो ये साधन करता है, यही हिंदू शास्त्र गजत्री का मंत्र कहता है, कोई फर्क सनातन में और इन संत मत में नहीं है, कोई सच्चाई नहीं बयान करता। अब कहे भी क्या, लोग अमल नहीं कर सकते, अमल करना को आसान है, मेरी उम्र गुजर गई, बथेरा मैंने साधन किया, अब भी जब तक हर वक्त मैं अगर चाहूँ बाद वक्त ऐसे हालात होते हैं, मैं जितना भी जोर लगाता हूँ पर प्रकाश शब्द में नहीं जा सकता, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर सिमरन करता हूँ, फिर ध्यान करता हूँ। कहीं तो वैसा हाथ होता है कि मन इतना चंचल होता है ऊंचा नहीं जा सकता, फिर सिमरन करता हूँ, सिमरन से फिर ध्यान में जाता हूँ, तो तब मुंह पर जाता हूँ। ये है बड़ा मुश्किल काम, मगर इसका एक ही तरीका है कि चलो चलो समझ में आ जाए बात, दुनिया में फंसो नहीं, आस्ते आस्ते चलते रहो, पढ़ते रहो, कोई ना कोई वसीला बन बन जाएगा आगे। दर्शन करत पिंड खुद भोले, तेरे घर बाहर सुध क्या आए। अब देखो बाहर में भी प्रेम है, अंदर में जो प्रेम करता अपने आप से भूल जाती है, ना घर याद रहता है ना पुत्र याद रहते हैं, जब तुम अभ्यास करने बैठते हो तो अभ्यास करो अपने आप भूल जाते हो आगे। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीने, तेने की गति क्या कहूँ सुनाए। ऐसी सूरत दूसरा जो प्रेम में अपने अंदर चलती है वो बहुत उत्तम है, उसी गति में क्या कहूँ आगे। योग वैराग ज्ञान सब रूखे, प्रेम किससे, प्रेम उस परम तत्व, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है इसलिए शुरू शुरू में उसको किसी न किसी रूप में मानना पड़ता है शुरू शुरू में। मगर अगर सारी उम्र तुम बाहर के गुरु के से लगे रहो तो फिर काम नहीं बनेगा। मैं नहीं चाहता निम्रा तुम लोगों को हमेशा फकीर जन के साथ बांध रखूं, अगर सारी जिंदगी आपको फकीर जन मर जाएगा फिर रोगे, फिर पीछोगे, कहाँ जाओगे फिर। इस वास्ते मैं बात को साफ कर जाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को मेरे मरने के बाद कोई दूसरा खत्म किसी को ना करना पड़े। बात तुमको सच्ची बता दी, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, बाकी दुनिया का काम है, दुनिया के काम में सत्संग में जाता रहता आदमी आता रहता, इससे कोई सवाल नहीं। समझो मेरी बात को मैंने क्या कहा है।